राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दो प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राव और यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नीरज डांगी मैदान में हैं। दोनों ही उम्मीदवारों की अपनी अपनी खास बैठ है। केसी राहुल गांधी के करीबी हैं तो नीरज डांगी सीएम गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं। आइए जानते हैं दोनों प्रत्याशियों के बारे में। तो 57 साल के वेणुगोपाल केरल में कन्नूर जिले के रहने वाले हैं, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 2009 से 2019 तक लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। अलजप्पा लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में केंद्र में रहे हैं। राहुल गांधी के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। सीएम अशोक गहलोत के भी काफी करीबी माने जाते हैं। केसी वेणुगोपाल सीएम गहलोत के संगठन महासचिव का पद छोड़ने के बाद वेणुगोपाल राव को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। केसी ने एनएसयूआई से करियर की शुरुआत की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद सीएम तय करने के लिए केसी वेणुगोपाल राव बनकर आए थे ऑब्जर्वर। प्रदेश के केंद्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की है मंशा राज्यसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डांगी रहे हैं। प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एससी समुदाय से आते हैं नीरज डांगी। उनके नाम की घोषणा से सभी को चौंकाया गया था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं। रेवदर विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं नीरज डांगी। एक कार्यकर्ता को आलाकमान ने दिया है मौका। राजस्थान की आवाज प्रमुखता से उठाने का है जज्बा। विकास के मुद्दों पर काम करने की उनकी रहती है कोशिश। पिता दिनेश राय डांगी भी राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं।